जिया बस अपना वीडियो बनाती रहती है और सासू माँ जो है खाना बनाती है। जिया घर के काम में जो हाथ नहीं बटाती है, सासू माँ को सारा काम करना पड़ता है। ये बात सही है कि वीडियो बनाती है और हम घर का काम करते हैं, इसमें दो मत नहीं है। आप करें बिल्कुल। तो क्रिया सभी सो करके उठा हुआ है पूरा एनर्जी के साथ और इसको भी लग गई है भूख। क्या क्या किया आई पापा गुटगुटी कर रहे हैं पीछे से। ये क्या चल रहा है भाई, तुम दोनों का क्या चल रहा है? ओह माय गॉड, बिना बोले पुच्चू दे दिया। पापा को भी दे दो एकदम, जब इसका मन नहीं रहता ना बस ऐसे अपना गाल सटा देगा। एक मम्मा को दे दो लिप्स पे, वो ऐसी नहीं चलेगा। तो अभी क्रियान सो करके उठा, तो चलते हैं नीचे और इसको अभी देना है कुछ खाने के लिए। तो अभी कोशिश करते हैं ज़्यादा कि सुबह तो ये फल नहीं खाता है, तो अभी कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत इसको फल खिला दें। ये देखिए, वैसे तो ये कुछ भी नहीं खाता है। हो गया सब देख लिए ना आप लोग, प्रियास कितना प्यार करता है हमको, बहुत प्यार करता है, बहुत। हटो। तो अभी कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा फल दें क्रियांश को खाने के लिए, कुछ भी, जैसे अनार हो गया या कुछ भी। तो चलते हैं नीचे। चलिए क्रियांश के पापा, इसका बॉटल भी ले लीजिएगा, हम ले जाते हैं क्रियांश को। तो हम और क्रियांश चलते हैं नीचे। चलो क्रियांश, ठीक है, कुछ बोलना चाहेंगे आप? नो, क्या सही में आए हैं? इसको लग रहा है झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ क्रियांश खेल रहा है बैट बॉल। नो, झूठ बोल रही हैं आप। लेट है। मामा और मामा जो है चॉकलेट को नई नई जगह पे रख रहे हैं ताकि क्रियास निकाले। आप दूसरी बार नहीं देगा तुमको, आप देगा अपने पापा को भी नहीं छील के देंगे, रखो तुम। चॉकलेट नहीं मिलेगा भैया आपको, अभी पांच को चॉकलेट खाया है। नहीं, इतना नहीं खाना। चॉकलेट नहीं खाएगा भैया आप, अपने अपने कोशिश कर रहा है निकालने का। तो यहाँ पे मोलू आया हुआ है अपने भांजे के लिए आम लेकर के, और भांजा जो है वही इतना प्यार से लाके दिया और नहीं खाया। बताइए इसका कब क्या मन में रहता है, कोई जानता है? अरे दे दो, ए देखिए हाथ उठा के रख दे। निकालिए दादी को दे दो, दादी को। कोई छील के नहीं दे रहा है दादी को। अब जब तक नहीं खाएगा वो रोते रहेगा। दे दीजिए, बाद में नहीं दीजिएगा इसके बाद। अगर हमारा दादी तो यहाँ पे इन लोग का बात जो है, मैं बोर हो रही हूँ यहाँ पे से, तो मैं जा रही हूँ यहाँ पर से। मैं जा रही हूँ अब किचन खाना बनाने के लिए, क्योंकि ये लोग क्या इंट्राडे फिंट्राडे बात कर मेरे समझ से ऊपर है। मैं थोड़ा समझती हूँ लेकिन मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हमारे पति को, हमारे भाई को ये सब चीज़ में बहुत मज़ा आता है। अभी क्या हुआ, स्टॉक मार्केट गिर गया है ना, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है इसका 1 लाख का नुकसान हो गया, लेकिन कोई बात बढ़ जाएगा समय, ये तो गिरते उठते रहता है। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों में एकदम बोर हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ नीचे खाना पीना बनाऊंगी। तो यहाँ पे चल रहा है ऑर्डर, क्योंकि अभी फ्लिपकार्ट पे है सेल। और सबसे एक मजे की बात यह है कि मेरे भाई ने दिया है कैश, जिसको देख कर मैं हो गई हूँ बहुत ज्यादा खुश। वाओ, इतना सारा कैश पता है, एक वीडियो मैंने देखा था कि उसमें था कि मैं सोची थी कि मुझे कमाने धमाने क्या जरूरत है, पति के पैसे चुरा चुरा के अमीर बन जाऊंगी, लेकिन ये गूगल पे और फोन पे ने हमारा धंधा जो बहुत अच्छा किया, पति देव को बचाने के लिए आया है ये सब, जो कि एकदम सही परफेक्ट बात बोला। हमारे पति तो बिल्कुल भी पैसा नहीं रखते कैश, जो भी रहता है मेरा ही रहता है, चुरा लेते हैं। लेकिन फिलहाल ले लीजिए, सामने से कोई पैसा चुराता नहीं है, बाद में चुराएंगे, पता भी चोरी होगा बाद में, बाद में होगा, अभी रखिए आराम से आप। ठीक है, ठीक है, ठीक। The next day. नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 7 और इस समय जो है सोकर के सभी लोग उठ गए। घर के लोग जो है लगभग 1 घंटा पहले ही उठ चुके थे, हम थोड़ा लेट से उठे और क्रियांश भी लेट से ही उठा है, तो मेरे साथ ही उठा है। तो फिलहाल क्रियांश नीचे आ रहा है, उसको नाश्ता करवाया जाएगा और नाश्ता करने के बाद जो है फिर
क्रियांश को तैयार करके स्कूल ले जाया जाएगा। क्रियांश हेलो हेलो कर दो। नींद में है ये। प्रसाद खा के आया, कल ये प्रसाद नहीं खाया था, रखा हुआ था उसका प्रसाद, मंदिर जो घुसता है ये प्रणाम करने के लिए सुबह सुबह उठ के तो अपना प्रसाद लेके आ गया। तो यहाँ पर जो है सब्जी सबको काटा जा रहा है और क्रियांश हमारा आ गया है कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है ये देखिए, ये देखने के लिए। हे क्रियांशी, क्रियांशी, क्रियांशी जो है रात में सोना नहीं चाहता और सुबह उठना नहीं चाहता। इतना लेट से सोया, आप तो सो गए थे आराम से। ये बहुत लेट से सोया। इतने छोटे बच्चे को ब्रश कैसे करवाया जाए जी, हम वो सोचते हैं। अच्छा और ये खाने का नाम ही नहीं लेता है, बिल्कुल भी ये खाना नहीं चाहता है। और दादी का फोन जो है इसको मिल जाता है और ये आराम से, हम लोग तो फोन देते नहीं है और दादी से ये छीन के फोन ले लेता है और बैठ के ऐसे 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 करते रहेगा। थोड़ी देर तो इसको खाना खिलाते रहे। मम्मी पापा के फोन का यूज होता है, दादी के फोन का कोई यूज है नहीं, उस पर क्यों नहीं कार्टून देखा जाए। आसानी से मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। और दादी पे शासन चला के ले लेता है और हम लोग तो देते नहीं है, न मेरे पे शासन चलेगा इसका। हर पोता का शासन दादी पर चलता है और बेटा से ज्यादा प्यारा नाती और पोता होता है। कितना देर से बैठ के इसको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, दो तीन बार ट्राई करेंगे तो एक बार खाएगा। ये देखिए दो तीन बार कर रहे थे तो अभी खा लिया, तो ऐसे ही चलता है हमारे क्रियांश का। बाकी ये अभी खाना खा लेगा, फिर नहाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या करेगा। A few moments later. तो सास बहू जी यहाँ पर साथ बैठी हुई हैं और बार बार यहाँ जो है सवाल उठ ही रहा है कि जिया बस अपना वीडियो बनाती रहती है और सासू माँ जो है खाना बनाती है और उसके बाद जो है जिया घर के काम में जो है हाथ नहीं बटाती है, सासू माँ को सारा काम करना पड़ता है, तो ऐसा क्यों होते रहता है। बात सही है कि वीडियो बनाती है, हम घर का काम करते हैं, इसमें दो मत नहीं है, आप कर रहे हैं बिल्कुल सही है, सही बात है, लेकिन किस परिस्थिति में हम काम कर रहे हैं और ये क्या वीडियो बना रही है इसका हम समझते हैं कि आपको जो समझदार व्यक्ति हो निश्चित रूप से समझ जाते हैं। आप नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट करने के लिए आप कुछ भी कह सकते हो, सब स्वतंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक परिवार की बात है, छोटा सा बच्चा है, बच्चा को एक आदमी को बच्चा देखना और एक आदमी को खाना बनाना, तो निश्चित रूप से है कि एक दूसरे के सहयोग के बिना परिवार नहीं चलेगा। और मेरा परिवार है, आपका अपना परिवार है, तो आप अपने घर में भी देखते होंगे कि जहाँ सहयोग की भावना रहती है तो वहाँ कलह नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं तो प्राय सास पुतों में अनबन होते रहता है, तो शायद हमको लगता है वो सास पुतों का अनबन आप लोग नहीं देखते हैं, तो लगता है कि आप लोग मेरे माथा पर ही दे देते हैं कि हम झेलते हैं। हम झेलते नहीं है, अपना परिवार चलाते हैं खुशी खुशी कि ताकि यह बात सड़क पर नहीं जाए, किसी को आवाज उठाने का मौका नहीं मिले। सही बात है जी। और कितनों लोग बोले, कमेंट कीजिए, जो भी कहना है सब कुछ कहिए, उससे ना मुझे दुख होता है ना कोई खुशी होती है। और मेरा परिवार हम अपने अनुसार चलाएंगे और हम यही समझते हैं कि दो काम आदमी को नहीं करना चाहिए, जो परंपरा के विरुद्ध हो या मेरे नैतिकता का पतन हो जाए, बस इससे सिर्फ हम डरते हैं। और जहाँ तक परिवार चलाने की बात है, इज्जत प्रतिष्ठा की बात है, जिस स्कूल में मैंने पैदा हुआ, जिस स्कूल में मैं शादी करके आई, उसके परंपरा के विरुद्ध हमको वही इज्जत देगा। आप पांच आदमी कमेंट कीजिएगा, पांच आदमी शिकायत कीजिएगा रोड पर चल के, तो हमको नहीं लगता इससे उन्हें कुछ होता है। सही बात है जी, उम्मीद करते हैं जी अब जो है सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, तो सभी लोग मिल बांट करके आपस में काम कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि जिया को भी अपना काम रहता है और हमको भी अपना काम रहता है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। और वीडियो हमारा काम है, जैसे हमारा बिल्कुल काम है, तो हम अपना घर का काम खत्म करके, और हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमारी माँ ऐसी मिली है मुझे कि सभी लोग सपोर्ट करते हैं, समझती है हमारे काम को समझती है। तो प्लीज आप लोग भी अपने घर में देखिए, दूसरों को फालतू कमेंट मत कीजिए, ऐसा कमेंट कीजिए कि लोगों को अच्छा लगे। जहाँ तक एक बात है, अभी भगवान कृपा से हम पढ़े लिखे हैं और हम सरकारी सेवक रह चुके हैं, और हमको शौक है कि हमारा बाल बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े। हमारा जो बेटा पढ़ लिख के जिस काम को लाइक किया, तो उसमें मेरा सपोर्ट, एक बेटा को हम दिल्ली में रह के पढ़ा रहे हैं तो वो भी तो मेरा ही काम है, और एक बेटा मेरा घर में रह के अपना काम कर रहा है जिसको हम सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए अगर आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो हम इस कमेंट को, अब आप क्या करते हैं वो हम उस पर हम कुछ चलिए कोई बात नहीं जी। तो अब सभी लोग मस्त रहिए, मुस्कुराइए, हंसिए
और आप क्या कहे, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग। प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमेशा अच्छे रहिए, अच्छा हमारे लिए कमेंट करते हैं या बुरा करते हैं, फिर भी भगवान भोलेनाथ आपको अच्छा से ही रखे। तो मिलते हैं जी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।